हमारे छोटा भाई का दफा किया भाई। हमारे छोटा भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको फांसी होना चाहिए हत्यारे को। बार बार बिलवा में हत्या क्यों होता है? एक एकड़ जमीन के विवाद में चचेरे भाई की हत्या। किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के बेलवा मदारी टोला निवासी जफर आलम और उसके चचेरे भाई सफीरुद्दीन के बीच एक एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। सफीरुद्दीन अपने चचेरे भाई के खेतों में लगे फसल को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद जांच के लिए पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी और दोनों भाइयों को मौके पर बुलाया गया था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सफीरुद्दीन और उसका परिवार पुलिस के समक्ष हंगामा करने लगा। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस मौके से भाग निकली। इसी बीच आरोपी ने अपने सगे चचेरे भाई पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। विरोध में ग्रामीणों का गुस्सा भड़का और पीड़ित के इंसाफ के लिए सड़क पर आगजनी कर जमकर हंगामा किया। हम लोग धान काट के रख दिए थे, दो दिन बाद सूखा धान हम लोग बांध के लाने वाले थे, जाकर के देखते हैं कि पूरा धान जला दिया गया है। हम लोग पंचायत में पूरा खबर दिए, आसपास के आदमी को खबर दिए, सब आदमी बोला, थाना प्रभारी से भी बात किए, बोला तुम लोग आओ थाना, आओ आवेदन दो। तो हम लोग आवेदन देने किए, उसके बाद वो फ़ोन किया, पुलिस फ़ोन किया कि भाई तुम लोग कहाँ पर हो, हम लोग आए हैं इंक्वायरी के लिए, और तुम लोग आओ खेत दिखाओ कहाँ पर क्या है। तो हम लोग गए, जाने के बाद पूरा इंक्वायरी हम लोग करा कि देखिए सर यहाँ जला हुआ है, ये खेत है, ये धान है, सब हम लोग बता दिए। उसको जो लिखना था देखना चाहता देख लिया, पुलिस का सामने ही वो लोग एकदम पूरा गाली गलौज सुनते ही पुलिस एकदम भागने का रास्ता, और पुलिस भागने का रास्ता लेते ही एकदम हमला चालू और पुलिस का सामने ही में ही लगभग दो मिनट अगर वो रुक जाता पुलिस तो ये सब नहीं होता। मामला गरम देख करके पुलिस भाग गया एकदम सामने में ही। आपके भाई की हत्या, हाँ, तो इतना मनोबल बढ़ा हुआ उसका, पुलिस को भी धमकी दे रहा, क्या कर लेगा पुलिस? जी हमारा छोटा भाई है, हमारे छोटा भाई का दफा किया भाई। हमारे छोटा भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको फांसी होना चाहिए हत्यारे को, फांसी नहीं हुआ तो नहीं। सबसे बड़ी बात फांसी होना चाहिए सर, पूरा परिवार तलवार लेके आया था सर, पूरा परिवार सर हम लोगों को मारने के लिए सर, हम लोग तो सिर्फ प्रशासन को दिखाने के लिए आए थे सर, हम लोग को प्रशासन फोन किया कि यहाँ पे स्पोर्ट में आओ और धान साहब हम लोग को दिखाओ, इंक्वायरी करने के लिए आया। हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे इंक्वायरी करवाएं, उसके बाद हम लोग प्रशासन जा रहा था, हम लोग भी इधर घर की ओर आ रहे थे, वो लोग पीछे से पाँचों आदमी, उसका तीन बीवी और उसका बेटा और उसका और वो सर, पांचों हाथ में तलवार था, पीछे से आके मेरा भाई का सर वार कर दिया सर, पीछे से सर, जब वो वार हुआ सर, वार होने के बाद सर वो गिर गया सर, मेरा दिमाग खराब सर, जब वो गिरा सर हम ये बात सोचते थे कि हम किसको बचाए सर। दो पुलिसकर्मी आए थे कल इंक्वायरी में, ठीक है, सुनील SI, ठीक है, और उसके बाद तिवारी संजय तिवारी, दोनों आए थे इंक्वायरी करके, जाते ही मार शुरू हो गया इधर, ठीक है, उसके बाद उसको पीछे से मार दिया, तलवार से मारा, किसी से मारा हम लोग तो देखे नहीं, लेकिन हम लोग उठा के लेके सिलीगुड़ी तक गए, लास्ट में डेट कर गया, हम लोग रोड पे बैठे हैं और जब तक प्रशासन नहीं आएगी, न्याय नहीं करेगी, हम लोग नहीं हटेंगे। मांग है कि बार बार बेलवा में हत्या क्यों होता है? ये नहीं 50 हत्या हो चुका अब तक, अब हम लोग नहीं चाहते हैं कि बार बार सड़क पे बैठे। घटना के बाद दल बल के साथ मौके पर पहुंची जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद ही ग्रामीणों का गुस्सा ठंडा हुआ। किशनगंज अनुमंडल दंडाधिकारी ने दावा किया कि 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, जबकि पीड़ित परिवार ने मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। बिलवा की एक घटना है जिसमें एक पीड़ित ने यह शिकायत की है
देखिए वहाँ पर दो बातें प्रमुखता बात सामने आई। वो एक शिकायत ये आई कि जो पुलिस पदाधिकारी आए थे जांच करने, अगर जो वो तत्परता से उस समय कार्रवाई करते तो जान बच सकती थी, तो उन लोगों की मांग था कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि जो हमारे भी जितने भी जो भी कर्मी पदाधिकारी गए थे, अगर सही में वो कार्रवाई करते तो जान बच सकती थी, तो उन पर कार्रवाई के लिए हम लोगों ने आश्वासन दिया है। दूसरा आश्वासन ये है कि इन लोगों का कहना है कि जो अभियुक्त गण हैं उनमें कई लोगों का नाम छुटा हुआ है, उन लोगों का नाम तुरंत जोड़ा जाए। तो हम लोगों ने कहा है कि ठीक है, सुपरविजन्स में डीएसपी साहब उसको आश्वासन दिए कि सुपरविजन्स में उन नाम को जोड़ दिया जाए, इसी आश्वासन के साथ हुआ। और एक थर्ड एक और भी मांग आ रहा था कि एक पुलिस पिकेट दिया जाए, तो उस पर देखा विचार किया जाए। किशनगंज पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि विधि सम्मत कार्रवाई में हम लोग कभी पीछे नहीं रहे, गिरफ्तारी भी हम लोग हम हर केस में इंश्योर किए हैं। कोई भी ऐसा केस आज तक का इतिहास में नहीं है जहां कांड हुआ है और हम लोग उसमें गिरफ्तारी ना किए हों, सजा भी दिलाए हैं, स्पीडी ट्रायल कराए हैं हम लोग। तो इसीलिए उसी को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ बहुत ही स्पष्टता और बहुत ही मजबूती से कि यथाशीघ्र हम लोग गिरफ्तारी कर लेंगे उसका। अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं मीडिया से संपर्क करें।